आज जो है वो बड़ी 11वीं है और आज हमारे घर में जो है वो खाने पकड़े। ये जो है मामी वो बना रही है कोरमा। मैंने कहा था उसको डाल देना सब्जी बनाने के लिए। बीफ कोरमा बना रही है, अभी पहले ये वाला बना दो फिर उसका बनाते। तो ये बनने के बाद जो है छोलों के चावल बनेंगे और दर्दा बनेगा। ये चावल पहले निकाल के रखे हैं, तो ये चावल अभी भिगोएंगे, उसके बाद फिर चावल बनाएंगे। ये चावल के लिए जो है प्याज और टमाटर हरी मिर्च मैंने जो है काट के धो के सब रख लिए हैं। ये कोरमा पक रहा है और ये मैं चावल भी मैंने भिगो दिए हैं, सेला चावल। ये पुलाव के लिए है, छोलों का पुलाव, और वो जर्दे के लिए चावल। ये दोनों चावल भी भिगो दिए हैं और इसकी भी तैयारी अब मैं कर रही हूँ। बस अब पतीला निकाल के चूल्हे पर रख के मसाला तैयार करूँगी। बाकी आज का जो है वो मौसम भी बहुत अच्छा है, तो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। इन्होंने ना ये बेचारे कपड़े ही सुखाते रहते हैं अपने यहाँ पर। ये आप आज का मौसम देख सकते हैं, बहुत बूंदाबांदी भी हो रही है और जो है ना बादल भी आए हुए, ठंडा ठंडा आज का मौसम है। बाकी मैंने ना अभी ये कबूतरों का खाना भी ला के डाले इसके अंदर, कबूतर खाना खा रहे हैं। और मैं आपको एक आंटी दिखाती हूँ ये तो अब मैं जा रही हूँ छोलों का पुलाव बनाने। ये जो है वो मैंने छोलों का मसाला जो है पकने रख दिया है, प्याज और सारा साबुत गरम मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर सब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अभी थोड़ी देर मैं इसको अब ढकूँगी ताकि इसके जो है टमाटर थोड़ा गर्म हो जाए, फिर इसके अंदर बाकी और मसाले डाले। अच्छा चूल्हा जो है ना वो हम बिल्कुल ज़्यादा नहीं, बस इतना हल्का कर देंगे। अब मैं इसकी बोटी चेक कर लेती हूँ कोई गली या नहीं। मैंने देख लिया है तो थोड़ी देर में जो है पकने वाला है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये कोरमा हमारा तैयार है। अभी ये भी पक रहा है, मैं थोड़ी देर जो है बैठ जाती हूँ जाके। सो मगरिब जो है वो हो चुकी है और आप सबको जो है वो 11वीं शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फातिया का सब सामान जमा हो रहा है। ये ज़्यादा मामी ने पकाया है, ये कोरमा है आप देख सकते हैं। वाओ माशाल्लाह, ये तो दो चीज़ें जो है वो हमारी तैयार हो चुकी हैं और मम्मी ने रोटी भी पका दी है। और अब जो है मैं चावल बना रही हूँ एक भी चंद में लेंगे। ये चावल जो है अभी मैंने इसके अंदर दही डाली है और जो है ना ये अभी हरी मिर्चें जब चावल डालेंगे जब डलेंगे। ये चावल जो है बहुत टाइम हो गया इसको भिगोए हुए, या देखें सेला चावल है और ये बहुत लंबा हो गया है चावल अभी, और जब इसमें डलेगा तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये चावल जो है पकने वाले हैं और बाकी वहाँ पे वो चीज़ें सब रेडी हो चुकी हैं। अब मिलाद होगा और उसके बाद जो है फातिया होगी। वो बाहर जो है वो मिलाद शुरू हो चुका है, मिलाद होगा। और यहाँ पे जो है ना चावल अभी मैं देखने के लिए आई हूँ, चावल खोल के चेक कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आप मेरे चावलों की शक्ल, माशाल्लाह कितनी प्यारी आई है। और जो है ना अब ये पक चुके हैं, चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया है और अब ये फातिया के लिए मैं इसमें से निकालूँ। ये आज मैंने पकाया है छोलों का पुलाव। हो गया शाके नकले तमन्ना आई, हो गई मेरे लब पे मोहम्मद दीवानों शाहे दीला को पुकारो पुकारो। ये दर में है वो सुभानी का दर है, ये दर में है वो सुभानी का दर है, ये दर में है वो सुभानी का दर है। भिखारी बन के आओ, भिखारी बन के आओ, पुकारो शाहे दीला को पुकारो। फातिया के बाद जो है हमने खाना लगा लिया, इधर जो है वो खाना खाया जा रहा है। ये पुलाव बिरयानी लग रही है कैमरे में, वैसे भी देखने में भी लग रही है। ये पुलाव है और ये जो है सालन है गोश्त, आलू गोश्त का कोरमा, और ये जर्दा ये भी बिल्कुल ना इनके, और ये खीरा,
और केले ऊपर रखे हुए वो रहे। ग्यारहवीं शरीफ थी तो आज ही हमने खाना बनाया। तो दोस्तों एक ना ब्लॉगर है वो बोलती है दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो मैं भी उसकी कॉपी कर रही हूँ दोस्तों। हमारी लाइट जो है वो आप देख सकते हैं सारा दिन से नहीं गई थी लेकिन उन्होंने रात को 10:30 बजे के टाइम पर लाइट बंद कर दी है और इस टाइम जो है 12:30 हो रहे हैं। और फ़हीम जो है वो आ गए थे, हमने खाना भी खा लिया। खाने के टाइम पे मैं भूल गई, मैंने व्लॉग नहीं बनाया लेकिन जैसे ही याद आया मैंने वैसे कैमरा खोल लिया। तो फ़हीम अपने फ़ोन में कुछ कर रहे हैं, हम लाइट का वेट कर रहे हैं। लाइट आ जाए तो फिर हम सोएंगे, बाकी लाइट के आने के बाद जो भी काम है वो करेंगे। और एक ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ये चीज़ है, ये देखें, इससे जो है ना फ़हीम अपने सर में करते हैं ये स्टैंड।